नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की अनाउंसमेंट कर दी है और इसी के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है चुनाव आयोग ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओर से आदर्श आचार संहिता भी अभी से प्रभावी रूप से लागू हो रहा है। तो देखिए, 7 चरणों में देश में लोकसभा का चुनाव होगा। बिहार की बात करें, बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा और चुनाव के तारीखों की जो अनाउंसमेंट हुई है, 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे और इसके साथ ही ये तय होगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बनी है, देश की जनता का जनादेश किसके साथ है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में भी चुनावी रणभेड़ी अब बज चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। देखिए, पहले चरण के लिए जो वोटिंग है वो 102 लोकसभा सीटों के लिए होगी 19 अप्रैल को। साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी 89 लोकसभा सीट पर। फेज थ्री में 7 मई 2024 को 94 लोकसभा सीट की जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी और इसके साथ ही साथ फेज फोर में 13 मई को कुल 96 लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने नेता को चुनेगी, वोट करेगी। अगर पांचवें फेज की बात करें तो 20 मई को पांचवें फेज के लिए वोटिंग होगी 49 लोकसभा क्षेत्रों में। छठे फेज के लिए 25 मई को 57 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। वहीं फेज 7 यानी कि आखिरी चरण के चुनाव 1 जून 2024 को संपन्न होगी 57 लोकसभा सीटों पर। और ऐसे में देश की जनता जो है वो तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार दिल्ली में। तो कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है, 7 चरणों में देश की जनता अपने मतों का इस्तेमाल करेगी। 40 लोकसभा सीट है बिहार में। बिहार में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। अब किसी भी तरीके का उल्लंघन करने पर आदर्श आचार संहिता का कार्यवाही चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कि दावा किया है कि निष्पक्ष रूप से इस बार चुनाव कराई जाएगी और हर तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। तो 7 चरणों में वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे, देश में किसकी सरकार ये अस्पष्ट, जनता के जनादेश के जो पिटारे खुलेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।